डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपली सपोर्टेड बीम्स, जिसमें बीम्स, टाइप्स ऑफ बीम्स और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सिंपली सपोर्टेड बीम्स की रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। एनालिटिकल मेथड्स फॉर द रिएक्शंस ऑफ ए बीम। Consider a simply supported beam AB of span L subjected to point loads W1, W2 and W3 at distances of A, B and C respectively from the supports A as shown in figure। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, AB एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सपोर्ट रिएक्शंस A सपोर्ट्स पे आ रहे हैं और B सपोर्ट्स पे रिएक्शन RB है, और इस बीम पर तीन पॉइंट लोड्स एक्ट कर रहे हैं W1, W2 और W3। W1 ए सपोर्ट से ए डिस्टेंस पे और W2 बी डिस्टेंस पे और W3 से डिस्टेंस पर एक्ट कर रहे हैं। इस बीम की लंबाई जो है L है, हमने माना कि सपोर्ट ए पर रिएक्शंस जो है वो आर ए और सपोर्ट बी पर रिएक्शंस को हमने आर बी से रिप्रेजेंट किया है। एक्सटर्नल लोड्स W1, W2 और W3 तीनों लोड्स बिंदु ए के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे। तो इन मोमेंट्स को यदि हम कैलकुलेट करें तो ए के अबाउट एक्सटर्नल लोड W1, W2 और W3 के कारण मोमेंट्स होगा W1 इंटू बिंदु ए, पॉइंट ए से W1 की डिस्टेंस ए, तो इसके कारण W1 के कारण मोमेंट्स हो जाएगा ए के अबाउट W1 इंटू ए प्लस W2 इंटू बी प्लस W3 इंटू सी, यानी फोर्स इंटू उसकी लंबवत दूरी जिस बिंदु के अबाउट हम मोमेंट फाइंड करना है। तो इसलिए ए बिंदु के अबाउट क्लॉकवाइज टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमारे पास आ जाएगा W1 इंटू ए प्लस W2 इंटू बी प्लस W3 इंटू सी, और रिएक्शंस RB के कारण ए बिंदु के अबाउट जो मोमेंट आएगा वो एंटी क्लॉक आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू हो जाएगा RB इंटू RB की लंबवत दूरी है बिंदु ए से L के अबाउट, एल के बराबर, तो एक मोमेंट्स हो जाएगा RP इंटू एल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमारी बीम का जो सिस्टम जो है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी संतुलन की स्थिति में, तो इसीलिए समीशन M इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, और रिएक्शन RE वो ए बिंदु से ही गुजर रही है, इसलिए उसकी डिस्टेंस ए बिंदु से जीरो होगी, इसलिए आर ए के कारण ए बिंदु के अबाउट मोमेंट जीरो होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास हो गया RP इंटू एल इक्वेशन सेकंड से, और क्लॉकवाइज मोमेंट W1 इंटू ए प्लस W2 इंटू बी प्लस W3 इंटू सी। इन दोनों को इक्वट करने पर हमारे पास RB इंटू एल इक्वल टू W1 ए प्लस W2 बी प्लस W3 सी, तो RB इक्वल टू हो जाएगा W1 ए प्लस W2 इंटू बी प्लस W3 इंटू सी अपॉन L। तो हमें रिएक्शन R की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब हम समेशन V इक्वल टू जीरो लगाने पर टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू अपवर्ड, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस लग रहे हैं RA और RB, तो अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस हो जाएगा RA प्लस RB इक्वल टू W1, W2, W3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इसलिए तीनों का सम हो जाएगा टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स W1 प्लस W2 प्लस W3।
तो आरबी की वैल्यू यहाँ हम पुट करने पर आर ए इक्वल टू हो जाएगा डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री माइनस आरबी, और आरबी की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड से पुट कर हम आर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि एक ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पान एल एम 5 meter इज लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। एक बीम दे रखी है जिसका स्पान जो है लंबाई दे रखी है 5 meter और 3 point लोड एक्ट कर रहे हैं, दो ए बिंदु से ए सपोर्ट से 202 meter की दूरी पर 3 kilonewton और 3 meter की डिस्टेंस पे 4 kilonewton और 4 meter की डिस्टेंस पे 5 kilonewton के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ए सपोर्ट पर रिएक्शन आ रहे हैं और बी सपोर्ट पर रिएक्शन आर बी, और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हुए हम मानते हैं। तो हम लोड के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट यदि कैलकुलेट करें और आर बी के कारण ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा आर बी इंटू एल, जहाँ पे एल की लंबाई है 5, तो 5 आर बी किलोन्यूटन मीटर हमें एंटी क्लॉकवाइज टोटल मोमेंट मिल गया। इसी तरह एक्सटर्नल लोड के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा इक्वल टू 3 into 2 प्लस 4 into 3 प्लस 5 into 4। इक्वल टू 38 kilonewton meter सेकेंड इक्वेशन होगी। दोनों को इक्वेट करने पर हमारे पास आर बी इक्वल टू हो जाएगा 38/5 इक्वल टू 7.6 kilonewton, और समेशन वी इक्वल टू 0 करने पर आर ए इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 + 5 टोटल डाउनवर्ड लोड माइनस आर बी यानी 7.6 इक्वल टू 4.4 kilonewton। तो हमारे पास दोनों रिएक्शंस फाइंड होगी आर बी इक्वल टू 7.6 kilonewton और आर ए इक्वल टू 4.4 kilonewton। तो सबसे पहले हमें यही फाइंड करना, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है और लोडिंग दे रखी है पॉइंट लोड, तो टोटल लोड्स के यदि डाउनवर्ड एक्ट कर रहे सारे लोड्स, तो उसके कारण ए के अबाउट टोटल मोमेंट्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज टोटल मोमेंट फाइंड कर लेंगे, और आर बी के कारण हमें रिएक्शंस आर बी के कारण ए के अबाउट टोटल मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। दोनों को इक्वेट कर हम आर बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और टोटल लोड माइनस आर बी की वैल्यू माइनस करने पर हमें आर ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे यूडीएल का। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पान 6 meter इज लोडेड एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शंस आर ए एंड आर बी ऑफ द बीम। हमें दे रखा है कोई बीम जिसकी लंबाई जो है स्पान जो दे रखा है वो 6 meter दे रखा है, और आर ए और आर बी सपोर्ट पे हमें रिएक्शन फाइंड करनी है, जिसमें ए बिंदु ए सपोर्ट से 1.5 meter की डिस्टेंस पे 4 kilonewton लोड दे रखा, पॉइंट लोड दे रखा है, और 1.5 meter से नेक्स्ट 1.5 meter तक 2 kilonewton per meter का यूडीएल दे रखा है, और 4.5 meter की डिस्टेंस पे 1.4 kilonewton का पॉइंट लोड दे रखा है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन आर बी के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट समय प्राप्त होगा, आर बी इंटू एल इक्वल टू एल की वैल्यू 6 है तो 6 आर बी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और क्लॉकवाइज मोमेंट जो जनरेट होगा लोडिंग के कारण वो हो जाएगा 4 into 1.5 प्लस यूडीएल के कारण टोटल लोड हो गया 2 into 1.5 टोटल लोड। ये टोटल लोड इस यूडीएल के सेंटर में एक्ट करेगा, यानी कि 1.5 meter के मिड पॉइंट पे, जिसकी डिस्टेंस ए बिंदु से हो जाएगी 1.5 meter + 1.5 by 2,
यानी कि 2.25। तो टोटल मोमेंट्स 2 kN/m लोड के कारण, न्यूट्रल के कारण टोटल मोमेंट हो जाएगा 2 × 1.5 × 2.25 प्लस 1.5 × 4.5 इक्वल टू 19.5 kN/m। दोनों को इक्वेट करने पर आर बी इक्वल टू हो जाएगा 19.5/6 इक्वल टू 3.25 kN। तो इसलिए आर ए इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 × 1.5 + 1.5 - 3.25 इक्वल टू 5.25 kN। धन्यवाद।